दोस्तों, आप सबके स्वागत है देसी शहरी लाइफ स्टाइल ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस समय मैं BHU के MP थिएटर मैदान में आ गया हूँ, जो BHU का सबसे बड़ा मैदान है। इसके अलावा भी और सारे मैदान हैं हॉस्टल के आसपास, पर यह बहुत ही बड़ा मैदान है। और इस सुबह के 6 बज रहा है और दोस्तों मैदान में आ गया हूँ। आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि ढेर सारे बच्चे हैं, प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, जगह जगह अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, अपने कप्तान कोच के साथ, अपने हेड के साथ। दोस्तों, यहाँ पर ही बहुत सारे बच्चे हैं, नौजवान युवक हैं, जो खेल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि हैंडबॉल गेम का नाम है जो खेल खेल रहे हैं। दोस्तों, देख सकते हैं इसमें भी गोल किया जाता है। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा और वीडियो के साथ बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इस तरह की और सारे आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में एक आपको एक नई जानकारी मिलेगी। मैं इनका एक इंटरव्यू सुनाऊँगा, दिखाऊँगा दोस्तों। इसलिए आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए एक नई जानकारी लेकर आने वाला है और इस वीडियो के माध्यम से एक नई बात को सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में जैसा कि देख रहे हैं कितना ही सुंदर दृश्य है, नज़ारा है, और सुबह का वक्त है और आसमान में हल्की सी धूप है। सारे बच्चे खेल रहे हैं, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप भी BHU में आते हैं या बनारस आते हैं तो सुबह में आप आ सकते हैं दोस्तों। इस समय अभी बहुत कम भीड़ है, लॉकडाउन और कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारे कम बच्चे आते हैं। जब नॉर्मल स्थिति रहती है तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और BHU का कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो इसी MP थिएटर मैदान में होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि BHU का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो साल में एक बार होता है, जिसे स्पंदन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसी मैदान में होता है दोस्तों। सारे फैकल्टी के बच्चे कंपटीशन हर खेल गेम में भाग लेते हैं और उसमें अपनी फैकल्टी को जिताने के लिए कप या प्राइज दिलाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों। तो एक बहुत बड़ा एक कंपटीशन होता है, बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती है दोस्तों। तो दोस्तों, जब यह समय आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल घंटी भी दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा दोस्तों। दोस्तों, इस ग्राउंड से संबंधित बहुत सारे गेम के विषय में मैं उनके कोच टीम से बात करूंगा दोस्तों, और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी दूंगा कि कौन से गेम किन के लिए अच्छा है, किन को आना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको एक एक करके मैं जानकारी अवेलेबल कराऊँगा दोस्तों। जैसा कि इनको देख रहे हैं, ये इस टीम के हेड हैं, कप्तान हैं दोस्तों। डिफेंस पे, 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 डिफेंस पे,
बिहार के यार माने वही में दोस्तों यहाँ पर एक लड़का है जो भाला फेंकता है, देख सकते हैं ये भाला फेंक रहा है दूर से, और भाला फेंकने के क्या स्टाइल तरीका आप देख सकते हैं इस वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में मैं बात करूँ करके मैं आपको एक नई जानकारी दूंगा कि भाला कैसे फेंकना चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए भाला फेंकते समय, इसका ट्रिक क्या है, टिप्स क्या है, और कैसे और कब करना चाहिए, तो इसके बारे में भी दोस्तों मैं जो नई जानकारी दूंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए, मैं एक एक करके बहुत सारे गेमों के विषय में एक BHMP थिएटर से संबंधित बहुत सारी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा दोस्तों। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, जिससे आपको एक नई जानकारी मिलेगी। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कितना ही सुंदर नज़ारा दृश्य है, बहुत ही आनंद आ रहा है दोस्तों। और ये सामने जो देख रहे हैं ये बहुत बड़ा एक मंच है, यहीं पर BHMP का स्पंदन कार्यक्रम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है यही मंच होता है दोस्तों, जिस पर लिखा हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी और अंग्रेजी में, और बीच में BHMP का लोगो लगा हुआ दोस्तों, यही बहुत बड़ा एक मंच है दोस्तों। यहीं से बहुत बड़ा एक पंडाल बनता है जब कार्यक्रम होता है दोस्तों, कोई भी बड़ा, तो देख सकते हैं यही है मंच है। आया ना भैया मेरा गड्ढवा के देता लेते हुए दोस्तों जितने सारे प्लेयर की जो खेल रहे हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि इन लोगों का ड्रेस है, कपड़ा है, बैग है, साइकिल है, तो इन्होंने इस किनारे रख दिया है, और सभी बच्चे उधर खेल रहे हैं, और सामने देखे चेंजिंग रूम है प्लेयर का सभी जो अभी बंद है, और सामने नल लगा हुआ पानी का जो पी सकते हैं। देखिए इन लोगों का जो कपड़ा है रखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, देखिए सब जूता चप्पल अपना यहाँ निकाल के रखे हुए हैं, और मैदान में प्रैक्टिस कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं हैंडबॉल
जो गेम का नाम है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। और जस्ट सामने जो खिड़की दो दिख रही है और वहाँ पर नल है दोस्तों, वहाँ पर बच्चे पानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं, मुँह हाथ धोते हैं दोस्तों। यहाँ पर सारी सुविधा है, तो देख सकते हैं। देखिए यही नल है, यहाँ पर आके सब पर पानी पीते हैं। और दोस्तों इधर भी एक ग्राउंड है जो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इस रास्ते सीधे आप मेन रोड पर निकल जाएंगे दोस्तों, जो BHU के स्वतंत्रता भवन और BHU लंका जाने। देखिए लड़की सब कुछ दौड़ रही हैं, ये सभी प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे प्लेयर और बच्चे और लड़का और लड़की बहुत कम आते हैं। जब लॉकडाउन खुल जाएगा, कोरोना वायरस का जो कहर कम हो जाएगा दोस्तों, ख़त्म हो जाएगा, तो बहुत अच्छी खासी भीड़ लगती है दोस्तों। यहाँ सुबह शाम का जो नज़ारा होता है बहुत ही सुहावना और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो आप आ सकते हैं दोस्तों, कोई भी बच्चा बाहर BHU कैंपस के भी बच्चे आ सकते हैं इस मैदान में, और बाहर के भी बच्चे आ सकते हैं, किसी तरह की कोई ये नहीं है दोस्तों। यहाँ प्रैक्टिस कर सकते, देख सकते हैं सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं ये। और अंत वीडियो के अंत में मैं इन लोगों का एक इंटरव्यू लूँगा दोस्तों, इन लोगों से जानकारी लूँगा कि आपके लिए यह इस वीडियो से क्या नई बातें मिलने वाली है, जानने लायक है, उसके विषय में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। तो कुछ ही क्षणों के बाद अब जैसे खेल इंड होने वाला, पूरा होने वाला है, टाइम ओवर होने वाला है, तो मैं इन लोगों से मैं बात करूंगा दोस्तों। एक तो दोस्तों इन लोगों का गेम इंड हो गया है और मैं इन लोगों से कुछ बात करके आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि ये लोग जो गेम खेल रहे थे वो गेम को कैसे खेलना चाहिए, इस गेम को खेलकर अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकता है, किन लोगों के गेम में आना चाहिए और कैसे अपने भविष्य को और देश दुनिया परिवार माता पिता का नाम अपने रोशन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं जो टीम का हेड है मैं इनसे बात करता हूं। अपना नाम बताइए सर। जी हमारा नाम अजय यादव है। जी जी हम इन सबके सीनियर हैं। अच्छा अच्छा, इनसे बहुत पहले से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये जो गेम है, अच्छा अच्छा, ना अमीरों का है ना गरीबों का है। अच्छा अच्छा, ये सामान्य लोगों का है। अच्छा अच्छा, सब इसको खेल सकते हैं। अच्छा अच्छा, खेलने की इच्छा है वो सभी खेल सकता है इसको। अच्छा अच्छा, इस गेम में अच्छा प्लेयर होते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन ज्यादा तादाद की वजह से सबको खिलाने की वजह से हम लोग 12 का प्लेयर करके खिला रहे थे। अच्छा अच्छा, सभी लड़के एथलेटिक्स के हैं। अच्छा अच्छा, आज ग्राउंड में वर्कआउट कुछ और था। अच्छा अच्छा, इन लोगों का वर्कआउट फिर हमने उसको करा के अच्छा बॉल करा रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ लोगों ने अच्छा अच्छा टाइमिंग दिया है। अच्छा अच्छा, ये सभी बच्चे एथलीट के अच्छे अच्छा खासे प्रैक्टिस करने वाले हैं। अच्छा अच्छा, आज का दिन इन लोग का बहुत ही अच्छा 100 मीटर टाइमिंग लगा। अच्छा अच्छा, जो कि 4:50 तक, 5 मिनट तक, 4:54 तक, ऐसे प्लेयर इसमें हैं जो एथलीट्स के हैं। अच्छा, इनकी इनमें किन किन बच्चों का आना चाहिए, किस उम्र से खेलना चाहिए, क्या है ये? आप 10 साल के बच्चों से स्टार्ट कर सकते हैं, 30 साल तक सभी प्लेयर ये खेल सकते हैं। अच्छा अच्छा, और कि कोई उसकी उम्र कोई नहीं होती है। अच्छा, जो जब जागरूक हुआ, अच्छा, जिसको पता चलेगा कि हमें ये गेम खेलना है, हाँ, वो जब आके ये गेम खेल सकता है और इसके बारे में जानकारी ले सकता है। अच्छा, मान लीजिए अगर इसमें खेलना चाहता है तो यहाँ खेल कर आगे का कैसे बढ़ा जाए, कैसे आगे जा सकता है? आप किसी अच्छे एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, एकेडमी आपको जिला, मंडल, उसके बाद नेशनल, स्टेट, ये सब खिलाते खिलाते आपको आगे तक ले सकते। अच्छा, उस एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे लोग वहाँ पहुँच सकता है, कैसे किन लोगों से बात करनी चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? उस्तादों से बात करेंगे, कोच जो होते हैं। अच्छा अच्छा, बात करेंगे। अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो एकेडमी में आपको एंट्री देंगे। अच्छा अच्छा, अगर इस वीडियो को देखकर बनारस के जो आसपास के लोग आपसे संपर्क करना चाहे, आपसे हेल्प लेना चाहे, जानना चाहे कि कैसे हम भी आना चाहते हैं, तो आप कैसे उनके हेल्प कर सकते हैं? जी हम, मेरा नंबर, क्या आप उनका हेल्प कर सकते हैं? जी जी, तो अपना नंबर वगैरह कॉन्टेक्ट बता दीजिए कि वो आके आपसे बात की कर सके। जरूर, कोई गार्जियन हो चाहे बच्चे हो तो अपना नंबर बोलिए, मोबाइल नंबर जो आप काम करता हो। मेरा नंबर 7068। अच्छा, 010-01। ठीक है, ओके। और एक नंबर पंकज, अपना नंबर बोलो। पंकज जी से अपना नाम बोल दीजिए। ब्रिजेश यादव मेरा नाम है जी, बोल दीजिए अपना नंबर बोल दीजिए। 9670-92-2020 है ना? तो दोस्तों ये इनका कांटेक्ट नंबर हुआ, और ऐसे भी मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे सारी जानकारी ले सकते हैं। किसी तरह की समस्या हो तो आप इनसे भी हिजक बोल बात कर सकते हैं, बहुत ये लोग हेल्पफुल है, बहुत ऑर्गेनाइज में काम करते हैं, इन लोगों से मैं बहुत ही खुश हूँ। हमें ये कुछ और बताना चाहते हैं दोस्तों, सुन लीजिए इनके मुख से क्या कहना चाहते हैं। मेन मोटो, इन बच्चों का मेन मोटो,
भर्ती निकालना है। अच्छा अच्छा, ये सारे लड़के आर्मी के भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, और हम लोग आर्मी की भर्ती की तैयारी कराते हैं। अच्छा अच्छा, हर साल यहाँ से 20-30 लड़के निकलते हैं। अच्छा, आगे भी उम्मीद है कि 20-30-50 निकलेंगे। अच्छा अच्छा, अपना बेहतर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इनकी कितनी उच्च भावना है, सर्वोच्च आइडिया है इनका कि देशभक्ति के लिए, देश की सेवा के लिए ये लोग समर्पित है। तो आप भी अगर इस एरिया में आना चाहते हैं तो इनसे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। और BHU के MPA थिएटर जो बहुत बड़ा एक मैदान है, आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने दिखाया दोस्तों, आप यहाँ आकर आप भी इन चीज़ों को कर सकते हैं, एक नया मुकाम अपना हासिल कर सकते हैं दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमने नंबर दे दिए हैं, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा जोश से लगे कि भारत के जवान है। वंदे मातरम्।